नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में, हम बात करेंगे वैशाली के बारे में, हम बात करेंगे वैशाली के एक ऐसे हिस्से के बारे में जो कि पानी से पूरी तरह से ग्रसित है। वहाँ के लोग जो है पानी से एकदम से कह लें कि परेशान है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या है वहाँ पानी की स्थिति और क्या किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात है। इस दौरान वैशाली जिले से कई डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। वैशाली में पिछले दिनों हुई बारिश से जिले के कई हिस्सों में जो है बारिश का पानी जल जमाव हो गया है। यह मामला वैशाली जिले के अबुल हसनपुर पंचायत का है, जहां के लोग पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं। आप पहले तस्वीरों में देख लीजिए कैसे जो है लोग पानी पूरी तरह से घर के बीच में है, पानी सभी जगह पानी ही पानी दिख रहा है। जिला प्रशासन इस ओर सुध लेने तक नहीं आ रहा है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस जल जमाव को लेकर 4 दिन पहले ही जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक कोई देखने वाला नहीं आया है। ऐसे में अब लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलने में लोगों को काफ़ी डर लग रहा है। कई ऐसे घर हैं जिसमें पानी घुसा हुआ है। आने जाने का रास्ता पूरी तरह से डूबा हुआ है। लोगों को सड़कों पर घुटने से ऊपर तक का पानी लग रहा है। ऐसे में सोच सकते हैं आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में अब ग्रामीणों का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके पानी निकाला जाए, नहीं तो पानी में जब सड़न होगा तब तेज़ी से बीमारियाँ फैलने लगेगी। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के बाद से एक तरह से हम कह लें कि यह पूरा इलाका जो है पानी से डूबा हुआ है और यहाँ के लोग जो है पानी के बीच में रहने को मजबूर हैं। यह पूरा मामला जो है वैशाली ज़िले के अबुल हसनपुर का है, जहाँ से यह तस्वीर सामने आई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।